हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो आप देखोगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। मजा कैसे आएगा वो देखना। जैसे कि आपसे मैं बोलूं रूट 16 की वैल्यू तो आप बोलोगे प्लस माइनस 4 या प्लस 4 बोल दोगे, ठीक है। रूट 25 की वैल्यू तो आप बोल दोगे प्लस 5। रूट 36 की वैल्यू क्या बोलोगे? 6। रूट 81 की वैल्यू आप बोलोगे 9, ठीक है, ये बोलोगे। बट अगर मैं आपसे पूछ लूं रूट 35 की वैल्यू तो आप सोच में पड़ जाओगे क्या है, कैसे निकालें, कैसे, ठीक है। तो और निकालने में लगोगे तो काफी टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। या मैं आपसे बोलूं कि रूट 5 की वैल्यू तो भाई कि पता नहीं, रूट 2 की याद करवाई थी हमें तो रूट 3 करवाई थी, कि रूट 5 की तो नहीं पता। रूट 4 की बोलूं तो आप बहुत जल्दी बोल दोगे कि 2। तो मैं आज जो ट्रिक लेकर आया हूं वो इसी के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो वीडियो में पेशेंस रखना, इतनी अच्छी ट्रिक है कि आपसे कोई भी नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसका आप स्क्वायर रूट इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक में पेशेंस रखना और अच्छे से मैं सिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा चीज आपको मतलब सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और हाँ, एक बात और कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल का आइकन प्रेस करना जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर भाई, अगर मैं आपसे बोलूं रूट 4, तो अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहां पर प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर या कोई भी वेरिएबल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वैसे बोलोगे 2, रूट 9 बोल दोगे आप, 3 ऐसे करके, रूट 36 है तो आप 6, इस तरीके से कुछ ना कुछ है ना बता दोगे मेरे को, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं रूट 5 क्या होगा, नहीं पता। दूसरा बोलूं आपसे रूट 35 क्या होगा, नहीं पता। रूट 8 क्या होगा, नहीं पता। तो ये ट्रिक इन्हीं के लिए है और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी होगी, बस क्या है वो देखो, ये अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स। ये एक फॉर्मूला है और काफी अच्छा फॉर्मूला है, और ये आया कहां से है, ठीक है। तो देखिए, 12th क्लास में एक टॉपिक होता है सन्निकटन मान, जिसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्यों बोलते हैं इसे, वो भी मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का क्या राज है, इसके पीछे का राज ये है कि भाई देखिए, जब भी हमको इस तरीके के रूट को सॉल्व करते हैं, इस तरीके के रूट को सॉल्व करते हैं, तो ये ना पॉइंट्स में इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है, मतलब लगभग में आती है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, वो लगभग में आती है, ठीक है। तो ये जो है ये भी इसी के लिए, इसीलिए इसका मतलब वहां से विस्तार आया कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से एक फॉर्मूला मिला सन्निकटन मान का, ठीक है। उसी को इन्होंने ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया और वही मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। अब वो क्या है, देखिए इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीकों से अप्लाई हो सकता है। जैसे मेरे को निकालना है यहां पर रूट 5 का, ठीक है। रूट 5 भाई, रूट 5 को मैं तोड़ सकता हूं 4 प्लस 1। अब काफी बच्चे को मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगी, हमने इसे रूट 4 प्लस 1 में ही क्यों तोड़ा भाई, 4 प्लस 1 में ही क्यों तोड़ा। इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 भी रूट 5 ही होता हमारा भाई, अंडर रूट 6 माइनस 1 अगर मैं लिखता तो वो भी होता। बट हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए, दोनों में से एक मतलब ऐसा नंबर चाहिए, या प्योरली पहला वाला हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता हो और जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट हो। तो 5 के नियरेस्ट क्या है सबसे ज्यादा भाई, 3 है, 2 है, चलो 4 है, 5 है, 6, 5 के नियरेस्ट 6 है, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है 4, तो अगर मैं 4 में 1 ऐड कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, तो ये तो x की वैल्यू मिली और ये y की वैल्यू। और ये प्लस माइनस कैसे है कि भाई जहां पर हम अगर यहां पर प्लस करते हैं, हम घटा भी तो सकते थे, कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे अंडर रूट 9 माइनस 4, ऐसे करके भी लिख देते तो यहां से भी आपको मिल जाता और यहां से भी आपको जो वैल्यू मिलती वो ठीक होती है, अप्रोक्सीमेटली में होती, ठीक है, लगभग में होती। तो यहां पर जो ये आपको मिला है तो अब डायरेक्टली x और y की वैल्यू मिली है, तो यहां से अंडर रूट x ये होता है फॉर्मूला प्लस y अपॉन 2 ऑफ अंडर रूट x। तो x की वैल्यू क्या है वो पुट करो यहां पर, x की वैल्यू 4 है प्लस y की वैल्यू क्या आपके पास 1 और अपॉन में 2 और x की वैल्यू क्या है 4, वो भी रूट में, ठीक है, 4 वो भी आपका रूट में। तो रूट 4 की तो आप जानते हो कि भाई 2 होता है प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा रूट में 4 है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा।
इसका एलसीएम लो या इससे इसे डिवाइड कर देते हैं, फिर टू में ऐड कर देते हैं, वो भी आपका ठीक होता। ठीक है, तो इसका एलसीएम आया मेरा 4, 4 आने के बाद इसका एलसीएम यहां पर हो गया आपका 8 और यहां पर हो गया 1, तो 9/4 ये इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी, या 4 से भी आपको डिवाइड करना होगा और इजी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 4 2 8 होता है आपका 1.0, 4 2 8 और 2 फिर नीचे कट गया तो 0 और फिर ये हो गया 20। तो रूट 5 की वैल्यू क्या मिली आपको 2.25 और इसके आगे लिख देना अप्रोक्स या लिख देना लगभग। ठीक है, तो ये अब हम अगर इस मेथड से निकाले कि अंडर रूट में इस तरीके से, तो यहां से x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही, तो इस तरीके से अंडर रूट 9 माइनस y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू 4 है आपके पास। ठीक है, और 2 ऑफ अंडर रूट x की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो यहां से 3 माइनस यहां से 2 टाइम्स कैंसिल होकर 2/3, तो यहां से एलसीएम लोगे 3 आएगा, एलसीएम 3 आने के बाद 9 माइनस 2 तो ये आ गया आपका 7/3। अब 3 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल, 0.0 लगा, फिर 3 आ गया आपका। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये कितना आ गया, इससे अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो 2 टाइम्स 0.0, 3 और 1, फिर 0 आ जाएगा 3 3, इस तरीके से। तो ये भी क्या आएगा आपका अप्रोक्स में, ठीक है, लगभग, क्योंकि जो हमारे पॉइंट्स वगैरह होते हैं ये हमारे लगभग में ही आते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये जो फॉर्मूला है ये इसकी बिल्कुल मेन जान है, तो इसे बिल्कुल एक तरीके से याद कर लेना अच्छे से और ये आपको 12th क्लास में भी वर्क कराएगा। तो इस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं, चाहे कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो, क्योंकि भाई सीखने की उम्र कभी भी नहीं, मतलब बिल्कुल वो नहीं होती कि भाई हम ज्यादा बड़े हो गए, हमें वो वाली बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। काफी चीजें देखो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो और आप भी सीखिए, तो ये बताना कैसी लगी। ठीक है, तो ये आप इस सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जैसे रूट 8 वाला है, अगर मैं इसके लिए बताने लगूं तो इसे कैसे लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो देखिए इस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हो इसे, अंडर रूट 9 माइनस 1, तो ये x की वैल्यू है, वाई की वैल्यू डायरेक्टली पुट करो फॉर्मूले में, आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर इसे और कैसे तोड़ सकते हो आप, इसे और ऐसे तोड़ सकते हो आप, अंडर रूट 4 प्लस 5 में, बट जो माना जाएगा थोड़ा सा, मतलब वो सॉरी 4 और प्लस 4 में ऐसे तोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा ये ओल्ड हो जाएगा, ये सबसे देखो नियरेस्ट आ रहा है, तो ये इस तरीके का आप ज्यादा यूज करें। ठीक है, ठीक है, समझ गए बात को। तो किसी का भी अगर नहीं हो पा रहे है, आपको ट्रिक समझ में नहीं है, तो एक और बार बताना। ठीक है, इसकी अगेन वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, कोई भी ट्रिक या कोई भी वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर भी किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो मेरा एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है मैथमेटिक्स वर्ल्ड, और फेसबुक ग्रुप भी है। ठीक है, वहां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और एक इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर लो, प्रियांश सिंह 2324 मेरी इंस्टा आईडी है, वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या कोई भी टॉपिक हो बता देना, उस पर ही वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, कॉम्पिटिशन की भी या फिर बीएससी वगैरह की भी। ठीक है, बीएससी की हम अपलोड कर रहे थे वैसे फिलहाल इस चैनल पर। ओके, तो थैंक यू।